जय माधवी कृष्ण। आज हम आपको गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चैप्टर 3 से एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाएंगे जिसमें साकेत लोक के श्री राम गोलोक के श्री कृष्ण से मिले। पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में सीता जी और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंबर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्रों से मेघों के गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर 1 लाख ध्वजाएं फहरा रहे थे। उस अति दिव्य रथ में 1 लक्ष घोड़े जुटे हुए थे। वह रथ सुवर्णमय था। उसी में बैठकर श्री रामचंद्र वहां पधारे थे। वो श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। श्री राम और श्री कृष्ण अलग होकर भी एक है। गर्ग संहिता का गोलोक खंड कृष्ण को राम और राधा रानी को सीता बताता है। विष्णु पुराण कृष्ण को राम और रुक्मिणी माता को सीता बताता है। गरुड़ पुराण रुक्मिणी और सत्यभामा को सीता बताता है। पराशर संहिता में हनुमान जी ने कृष्ण और रुक्मिणी ने सिया राम के दिव्य दर्शन किए थे। श्री राम और श्री कृष्ण में भेद करना बहुत बड़ा नाम अपराध है। वो दोनों एक ही है, बस उनके लोक तथा रूप अलग है। गोलोक में कृष्ण राधा रानी के साथ और द्वारका धाम में रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ विराजमान है। साकेत लोक में श्री राम माता सीता के साथ और वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ विराजित है। महादेव के संग देवी पार्वती कैलाश में विराजित है। क्षीर सागर में नारायण अपनी महालक्ष्मी के साथ तथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव उनकी अर्धांगिनियां सावित्री, गायत्री और सरस्वती के साथ विराजित है। जय माधवी कृष्ण।